हेलो ट्यूटर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है पेपर ट्रेडिंग और डेमो ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग या डेमो ट्रेडिंग की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि हमें ट्रेडिंग व्यू एक ऑप्शन देता है, एक हमें उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जब हम अपना सारा ट्रेडिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, लर्निंग के प्रोसेस से गुजर जाते हैं सारे, तो हमें पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है। उसमें एक फेक मनी होता है लेकिन रियल ट्रेड होती है, रियल चार्ट होता है, रियल मार्केट होती है, रियल मार्केट की मूवमेंट्स होती हैं, सिर्फ उसमें मनी फेक होता है। हम अपनी मर्ज़ी से उसमें पैसे डाल सकते हैं, चाहे तो $10 डाल लें, चाहे तो $100 डाल लें, चाहे तो $10,000 डाल लें, चाहे तो $1,00,000 डाल लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कैलिबर के साथ ट्रेड को देखना चाहते हैं अपनी। तो ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करती है अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर। आप जब कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो कोशिश किया करें कि उसको मिनिमम भी 100 टाइम्स टेस्ट किया करें, बैक टेस्ट किया करें। इससे क्या होता है कि 100 में से जो आपकी रेशो निकल के आती है, फिर विनिंग रेशो, एक्चुअली वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करती है। और फिर जब आप रियल चार्ट्स पे जाके रियल मनी के साथ रियल ट्रेड लेते हैं, तो फिर आपको अपनी साइकोलॉजी पे बड़ा कंट्रोल रहता है, क्योंकि आप इसी स्ट्रेटजी को 100 टाइम्स बैक टेस्ट करके आगे आए होते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग व्यू दो ऑप्शंस देता है, स्ट्रेटजी टेस्टर और पेपर ट्रेडिंग। इसको हम स्ट्रेटजी टेस्टर में ये है कि आप अपनी मर्ज़ी के इंडिकेटर वगैरह उसमें डाल के उसको टेस्ट कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है, उसको कुछ लोग डेमो ट्रेड भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं चार्ट पे के ट्रेडिंग व्यू हमें ऑप्शन क्या देता है। ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है डेली का। इसके हम नीचे जब आते हैं, इस इधर नीचे वाले पैनल पे, तो हमें ये ऑप्शन मिलता है पेपर ट्रेडिंग का। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, ये 1,00,000 का अकाउंट दे रहा है। इसमें इक्विटी भी 1,00,000 की है और ये प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है हमारे पास आ रहा है। ये यहाँ पर आके आप अपना अकाउंट डाल सकते हैं। मैं USDT में ट्रेड करती हूँ तो मैंने ये डाला हुआ है। यहाँ से आके आप अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, चाहे तो अकाउंट को रीसेट कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक मशवरा ये दूंगी कि अगर आप जो है चाहते हैं कि पेपर ट्रेडिंग करें, तो आप हमेशा इसमें वो मार्जिन डाला करें जो आप अपनी रियल ट्रेडिंग में इसमें पुट कर सकते हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जब आप 10,000 का PNL देखते हैं, तो आपका जो माइंड है वो उस हिसाब से प्रॉफिट को कैलकुलेट करेगा। लेकिन जब आप फ़र्ज़ करें, मैं चाहती हूँ कि मैं ट्रेडिंग, रियल ट्रेडिंग शुरू करूँ $500 से, तो मैं 500, मुझे चाहिए कि मैं इसमें $500 पुट करके, ये मैम एक ये मेरा अपना ज़ाती सजेशन है आप लोगों के लिए कि जितने आप चाहते हैं ना, आप रियल मनी इन्वेस्ट कर सकें जितना चाहे। फ़र्ज़ करें वो $100 है, $200 है, $500 है, $1,000 है, तो आप इसमें वही पुट करें। इससे ये कि होगा कि जब आप, वजह क्या है कि जब आप 10,00,000 या $1,00,000 जो ये ऑलरेडी अपनी बाय डिफ़ॉल्ट देता है, उसमें आपको हज़ारों का प्रॉफिट मिलेगा एक फेक ट्रेड पे, क्योंकि मनी फेक है, ट्रेड जो है वो असली होगी, आपकी रियल होगी। तो आप बड़ी एक्सपेक्टेशंस हाई कर लेंगे इस मार्केट से कि मैं तो लाखों करोड़ों रुपया स्टार्टिंग में ही कमाना शुरू कर दूँगा या कर दूँगी। तो इस तरह से नहीं होता, आप वो मनी पुट करें जो आप रियल में अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो $20 ही क्यों नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपकी आके सेटिंग आ जाती है, इसको भी देख लीजिएगा आप। यहाँ ऑर्डर आ जाते हैं, ये आपके ऑर्डर शो होंगे यहाँ इस साइड, इसके नीचे जितने भी आपने ऑर्डर, इनएक्टिव ऑर्डर्स, फील्ड ऑर्डर, कैंसल ऑर्डर, रिजेक्टेड ऑर्डर, वर्किंग ऑर्डर, जो इन प्रोसेस होगा, ये आपको अकाउंट की सारी हिस्ट्री बता देगा, ये अकाउंट हिस्ट्री बता देगा, ये ट्रेडिंग जर्नल आपका बता देगा। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ट्रेडिंग की। इसमें आप जो है लॉग आउट भी कर सकते हैं, इसको दोबारा से रीसेट भी कर सकते हैं, इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, जाके आप सारा अपना जो पोजीशंस की, मनी की, सब सेटिंग, सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी है कि आपको स्ट्रेटजी देता है। मैंने अब ये देखें, जैसे मैं एक फेक मनी के साथ ट्रेड लेना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी $200 का कर दिया हुआ है इसमें डिपॉज़िट। मैं सिर्फ टेस्ट करना चाहती हूँ कि क्या जो मैंने सीखा है वो इस मार्केट पे वर्क भी करता है या नहीं।
तो मैं यहाँ पे आती हूँ और मैंने लेनी है एक लॉन्ग पोजीशन। मेरी मेरे एनालिसिस कहता है कि यहाँ से यहाँ पे लॉन्ग जाएगी, तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन लेनी है। तो ये अब जो मेरी ट्रेड है ना, वो एक फेक मनी के साथ मेरी रियल ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी जब मैं इसको लूँगी, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से फिर आप ये ट्रेड का ऑप्शन आ जाता है, इसमें आपके ऑर्डर और DOM ये सब कुछ आपको शो होगा यहाँ पे। ये देखिए सेल मार्केट बाय, ये सारा कुछ आपको ये बता रहा है कि आप इस तरह यहाँ से ले बाय या सेल कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। तो ये आप ट्रेड इस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ये रियल मनी की ट्रेड फेक मनी की रियल ट्रेड एग्जीक्यूट होगी आपकी। ये मार्केट का चार्ट तो रियल है ना ट्रेडिंग व्यू पे, ये वही बिटकॉइन इसी मूवमेंट पे चल रहा है, सिर्फ आपका पैसा फेक होगा। तो आप जब हमेशा याद रखिए, ये बहुत अच्छा होता है महीना 2 महीना 3 महीने सीख के सारा कुछ, जब आप पेपर ट्रेडिंग या डेमो ट्रेडिंग करते हैं, इससे आपका बहुत सारा पैसा बच जाता है। जो लॉस हो सकता है आपका शुरू शुरू में, जो आप सीख के जब आते हैं, तो जब तक, क्योंकि आप अगर 100% भी सीख के आ गए हैं, तो मार्केट आपको 1000% प्रैक्टिकली सिखाती है। प्रैक्टिकल काम जो होता है, जो आप चार्ट के ऊपर करते हैं, उसका और सीखने के काम का कोई मुकाबला नहीं है। वो आप वीडियोस देख के सीख के आए होते हैं या किसी से कोर्स परचेस करके सीख के आए होते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को लेके चलते हैं, तो ये चीज़ें इंटायरली डिफरेंट होती हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी आ जाती है बीच में। जब पैसे लगे होते हैं तो बंदा घबरा जाता है, फिर $100 ही क्यों ना हो, पता नहीं किसी ने $100 भी कैसे इन्वेस्ट किया होता है, कैसे इकट्ठा किया होता है, कैसे अपनी ट्रेड में लगाया होता है, यू नेवर नो। कोई स्टूडेंट होता है, कुछ कुछ सीख के काम, वो अपने अपने सारे एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए काम करना चाह रहा होता है ये, तो उसके लिए तो $100 भी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो मेरा मशवरा ये है कि जब आप ट्रेडिंग सीख लेते हैं, जब आप सारा इसको इसमें नॉलेज ले लेते हैं, आपको लगता है कि नहीं अब मेरा कुछ रह नहीं गया सीखने वाला, तो आप एक स्ट्रेटजी जो बनाते हैं अपनी, कोई मूविंग एवरेज सेलेक्ट करते हैं, कोई क्रॉस ओवर सेलेक्ट करते हैं, कोई इंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं, SMC करते हैं, ICT करते हैं, प्राइस एक्शन, कुछ भी आपकी स्ट्रेटजी है, आप उसको यहाँ पे लाइव चार्ट के ऊपर पेपर ट्रेडिंग के साथ किया करें। और आप यकीन माने, और अगेन रिपीट कर रही हूँ, अकाउंट बैलेंस वही रखिएगा जो आप रियल में अफोर्ड कर सकते हैं। इससे आपको बड़ा बेनिफिट होगा। लोग क्या करते हैं, लोग 10-10 लाख रुपया यहाँ पे डाल देते हैं, 10 लाख की एक माइनर सी ट्रेड तुक्के पे उनकी जब $10,000 उनको दे जाती है यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग में या डेमो ट्रेडिंग में, तो वो कहते हैं चलो बल्ले है भाई, हम तो अब मास्टर हो गए हैं ट्रेडिंग के। तो इस तरह से नहीं होता काम, आपको हमेशा रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए कि मैंने असली जो पैसा डालना है वो $500 डालना है या $200 डालना है। और मैं रिकमेंड भी इतना ही करती हूँ, इससे ऊपर शुरू शुरू में आप मत जाया करें। $100, $200, $500, मैक्सिमम 500 भी बहुत ज़्यादा मैं बता रही हूँ, 100-200 से शुरू किया करें, इसको बैक टेस्ट करें अपनी स्ट्रेटजी को, और देन आप जो है इस पर वर्कआउट किया करें। और जब आप 100 ट्रेड्स ले लेंगे, तो आप खुद सोचिए आपका कॉन्फिडेंस, आपका इतमाद कितना बिल्डअप होगा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये आज का टॉपिक कितना सही था पेपर ट्रेडिंग या डेमो ट्रेडिंग के बारे में। मेरी सजेशन है कि सीख के इसको ज़रूर किया करें। इसको पहले आप लाइव चार्ट पे मत चले जाइएगा इन्वेस्ट करके, लॉस होता है तो यकीन माने बड़ा दुख होता है, बंदा बड़ा डीमोटिवेट होता है, मार्केट को छोड़ जाता है, कहता है ये तो मार्केट ही फ्रॉड है, ये तो मार्केट ही 2 नंबर है। मार्केट 2 नंबर नहीं है, मार्केट फ्रॉड नहीं है, मार्केट जुआ या गैम्बलिंग भी नहीं है। मसला सारा आपके अंदर है, क्योंकि आप सीख के नहीं आते, और सीख के उसको फिर आप बैक टेस्ट नहीं करते स्ट्रेटजी को, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ट्रेडिंग की मार्केट में। आई होप कि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। छोटा सा टॉपिक था लेकिन कवर करना बहुत ज़रूरी था। अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल के जो लिंक है, जो उसकी बायो है, उसमें मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे कांटेक्ट करें, तो मैं ट्विटर पे, जो कि प्रीवियसली ट्विटर था और अभी एक्स के नाम से जाना जाता है, वहाँ बहुत एक्टिव हूँ। बहुत जल्दी इंशाल्लाह अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊँगी और मैंशन करूँगी चैनल के ऊपर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें अपना ट्रेडिंग एनालिसिस भी शेयर किया करूँगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और वो ग्रुप जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा।